विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी जी बताइए, थोड़ी देर में फैसला सुनाई देना। फैसला नहीं है ये, देखिए एक तरह का प्रोसीजरल सेटअप है कि आज आगे की कार्रवाई कैसे होनी है उसके ऊपर आज कोर्ट निर्धारित करेगी कि आगे की कार्रवाई कैसे होनी। अभी कोर्ट ने किसी पक्ष को सुन के कोई ये नहीं डिसाइड किया है कि हमारा सूट चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी तो उस पर बहस होनी है, पर बहस किस ऑर्डर में होनी है ये निर्धारित होना है। मेरा ये कहना था कि साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जाए, उनका कहना था कि नहीं कमीशन की रिपोर्ट ना पढ़ी जाए सूट ही पढ़ा जाए, तो मुझे दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं सिर्फ सूट के एवर्मेंट्स पढ़ के हम ये डिसाइड करेंगे कि पूजा स्थल अधिनियम यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, हम उसको निस्तारण करेंगे, तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर कोर्ट में बेटर अच्छे से ये डिसीजन हो पाए। इसलिए हमारी सिर्फ कोर्ट से एक गुजारिश थी कि साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ ली जाए, उनसे ऑब्जेक्शंस मंगा रखें, वो कोर्ट में बता दें वो ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, और उसके बाद इस चीज का निस्तारण। 7-11 की बात हो रही है विष्णु जी, तो क्या लगता है 7-11 अगर उनके पक्ष में आता है तो क्या लगता है ये सारी चीजें आप उसमें भी बहस करने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, 7-11 पे ही बहस, मैं 7-11 की तो बात कर रहा हूँ मेंटेनेबिलिटी की, और अगर 7-11 पे हमारा केस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह उपलब्ध हैं, हम वहाँ पे पूजा करते चले आ रहे हैं, हमारे पूजा के अधिकार को रोका गया है 1992 में, उस जगह को बैरिकेडिंग करके हमें बाहर फेंका गया है, इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट रूप से मत है कि वो जगह का जो कैरेक्टर है धार्मिक स्वरूप है एक हिंदू मंदिर का है, और इसीलिए 7-11 पे हम बहस करेंगे। तो 7-11 पर भी बहस करने को तैयार है विष्णु जैन, और इस तैयारी के साथ कचहरी परिसर की ओर अब रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।